जाते रास्ता रोक लेता है। हम परेशान हो चुके भाभी। हम आपसे प्रेम करते हैं। हेलो फ्रेंड, किराएदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई बंदा किराएदार को रखना चाहता है सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए। उनको चाहिए पेमेंट। मकान मालिक किराएदार को क्यों रखता? पेमेंट चाहिए उसको टाइम टू टाइम। किराएदार तो रख लेता है, निरंजन नाम का एक लड़का, उसको उसने पहले ही मालिक ने बोल दिया। और ये फिर अपनी बहन, उसकी बहन भी आ गई वहाँ पर। जब बहन आती है तो उसका भाई पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या रीज़न है? तुम अपने पति का तलाक दे देती हो, हर बार तलाक दे देती हो, तुम शादी करो, इतना दहेज दो, उसके बाद तुम तलाक दे के यहाँ आ जाती हो। तुम्हें ये तो शर्म आनी चाहिए कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतना कुछ किया, अब मैं क्यों उन पे बोझ बनूँ? खुद पे बोझ बन जाओ ना, दूसरों पे बोझ क्यों बन रहे हो? खुद मेहनत करो, दूसरों पे बोझ मत बनो। अगर दूसरों पे बोझ बनेंगे तो वो जो बोझ बना रहे ना, वो इंसान आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। आपको ये बोलेंगे ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, ये कर लो, वो करो, इस तरह के बहाने चालू हो जाते हैं। आप किसी पे बोझ मत बनो, आपकी ज़िंदगी आपको देखना है। आप अगर किसी दूसरों के चक्कर में रहोगे ना, तो दूसरा कभी भी आपका भला नहीं सोचेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचेगा कि मैं इससे अपना काम निकालूं किसी भी तरह। साले कितना भी बड़ा इंसान हो, किसी भी तरह काम निकालने की सोचता है। रखता क्यों है? नौकरी क्यों दी जाती है? क्यों ऐसे तो नहीं देते कि ले जाते तो पैसा? वो उसका खून निचोड़ेंगे आपका पूरा का पूरा। ये खून चूसने वाले मच्छर कौन होते हैं पता है? ये जो इतने भी नौकरी देते हैं ना, ये खून चूसने वाले मच्छर होते हैं। ये आपका खून चूस जाएंगे, ऐसा खून चूसेंगे ना, आपको तरस आ जाएगा कि साली ऐसी ज़िंदगी से अच्छा मरने की ज़िंदगी अच्छी है। ऐसे तो लोग हैं दुनिया में। कुछ कंपनीज अच्छी है, कुछ नौकरी देने वाले बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ इतने महामूर्ख इंसान होते हैं जिनका कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो आप। तो दोस्तों आज का वीडियो ये एंड करते हैं। किराएदार, वाह वाह किराएदार।